हेलो लवली पीपल्स, क्या आप भी परेशान हो कि हमें कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए विंटर सीजन में, समर सीजन में, मॉनसून सीजन में? क्या मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद हमारी स्किन और ज्यादा ऑयली हो जाएगी? क्या मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद हमारी स्किन पर एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लेकर आई हूँ, एक अमेजिंग प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एक मॉइस्चराइजर का। और क्योंकि विंटर सीजन आ चुकी है, हर एक स्किन टाइप वालों के लिए एक मॉइस्चराइजर अपनी स्किन केयर रूटीन में होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो मैंने सोचा कि यही राइट टाइम है कि मैं आप लोगों के साथ एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो कि बजट फ्रेंडली हो, नॉन कोमेडोजेनिक हो, ऑयली स्किन वालों के लिए, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए सूटेबल हो, ऐसे एक मॉइस्चराइजर का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस मॉइस्चराइजर को मैंने अपने पैसों से परचेज किया है और इसे ऑलमोस्ट 1 मंथ तक मैंने यूज किया है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसका डिटेल और ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूं। तो मेरे इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं स्किन केयर, मेकअप, हॉल, रिव्यू रिलेटेड ऑनेस्ट और बिल्कुल यूनिक कंटेंट वाले वीडियोस लेकर आती हूँ, तो आपको बिल्कुल पसंद आएंगे इस टाइप के वीडियो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिव्यू। तो मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ वो है प्लम ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर। ये प्लम गुडनेस का प्रोडक्ट है और प्लम गुडनेस पर आई थिंक अभी सेल भी चल रही है, बाय वन गेट वन फ्री। तो आप चेकआउट कर सकते हो इस प्रोडक्ट को अगर आप परचेज करना चाहते हो तो। ये प्रोडक्ट मेरा फेवरेट इसीलिए है क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो नॉन ऑयली है और बिल्कुल मैट फिनिश देता है स्किन पर, नॉन कोमेडोजेनिक है, इससे एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है और ये बहुत ही अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करता है। मैटिफाइंग होने के साथ साथ इसका जो स्किन को मॉइस्चराइज करने का जो इसकी खासियत है वो बहुत ही अच्छी है और मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके पैकेजिंग की। इसका आउटर बॉक्स जो है वो मुझसे गुम हो गया है, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके इनर बॉक्स पर आपको जो जो इसके आउटर बॉक्स पर मेंशन है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देख सकते हो कि कितनी मिनिमल सी और कितनी अच्छी फॉर्मुलेशन है इसकी। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट ऐड किया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो। और ये जो प्रोडक्ट है वो पैराबेन सल्फेट, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, सोडियम सल्फेट, SLS सारे ही हार्मफुल केमिकल से फ्री प्रोडक्ट है। और यहाँ पर आपको इसकी मैन्युफैक्चर डेट मिल जाएगी। 50 ml की क्वांटिटी है, 470 rupees इसका MRP है। ये जो प्रोडक्ट है वो 100% वीगन प्रोडक्ट है और क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसकी कंसिस्टेंसी दिखाना चाहूंगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि बिल्कुल ही रनी टाइप का इसका टेक्स्चर है और बहुत ही लाइट वेट इसका टेक्स्चर है। और जैसे कि यहाँ पर ब्रांड ने मेंशन किया है कि ये नॉन शाइनी फिनिश देता है, तो अब आप इसे अच्छे से ब्लेंड करोगे तो ये बिल्कुल ही नॉन शाइनी फिनिश देता है। स्किन पर बिल्कुल भी ऑयली या स्टिकी नहीं लगता है क्योंकि इसमें ग्रीन टी और ग्लाइकोलिक एसिड ऐड किया हुआ है। तो इसमें माइल्ड सी ग्रीन टी की फ्रेग्रेंस आती है जो कि बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं है। और ये दोनों ही इंग्रेडिएंट जो है हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, जिससे कि हमें एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मुझे ये काफी अच्छी एक चीज लगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक नॉन शाइनी फिनिश दे रहा है, मैंने इसे जस्ट थोड़ा सा ही अप्लाई किया है। तो अगर आप भी इस विंटर सीजन या पूरे साल कभी भी कोई एक अच्छा मॉइस्चराइजर फाइंड आउट कर रहे हो अपनी स्किन के लिए और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, तो मैं आप लोगों के लिए कि ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लेकर आई हूँ। आप प्लम का ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर ट्राई करो। ये बेस्ट परफॉर्म करता है हर स्किन टाइप के लिए। ड्राई स्किन वालों को ये बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसे खुद टेस्ट किया है। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप कोई भी स्किन टाइप वाले हो, आप इस मॉइस्चराइजर को थ्रू आउट द ईयर यूज कर सकते हो। हर एक सीजन में आप इसे यूज कर सकते हो क्योंकि एक बेस्ट मॉइस्चराइजर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था मेरा ऑनेस्ट और शॉर्ट सा रिव्यू इस प्रोडक्ट को लेकर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक थम्स अप दे देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।